फ्रेंड, मैं एक छोटा सा यूट्यूब क्रिएटर उल्फत अंसारी और आप सभी को स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक ट्रेलर में। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो टाइटल और थंबनेल देख के आपको समझ में आ ही गया होगा कि किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको समझ में आ ही रहा होगा कि जो सिलाई मशीन में एक निडिल होता है, सुई जिसको बोलते हैं, उसमें धागा असेंबल करने में बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। बाय द वे, आप अगर कपड़े को सिल रहे हैं और अचानक से आपका धागा टूट जाता है तो उससे आपका क्या होता है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। धागे को सुई में असेंबल करते हुए बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होने लगता है। तो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, कंपनी रिकमेंडेड हमारी एसेसरीज जो होता है उसमें एक छोटा सा निडिल दिया होता है, जिससे एक सेकंड में आप चुटकियों भर से तुरंत फट से सुई में धागे को असेंबल कर सकते हो। चलिए फट से वीडियो को शुरू करेंगे। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए फट से वीडियो को शुरू करते हैं और आपको हम दिखाते हैं किस तरह से ट्रेलर की जो सुई होती है उसमें धागे कैसे आप आसानी से असेंबल कर सकते हैं। दोस्तों, आज जो बात कर रहे हैं इसी चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं। जैसे देखिए, इसको यहाँ से क्या करेंगे, इस तरह से असेंबल करते हैं। जिसके नज़रें कमज़ोर होती है तो बार बार इस तरह से अंदर बाहर करते हैं, बट क्या होता है उसके जो सिलाई में जो ये निडिल में बहुत पतला निडिल होता है, जिसमें क्या होता है हमारा धागा प्रॉपर तरीके से असेंबल नहीं हो पाता। एक छोटी सी ट्रिक है, थोड़ा सा टाइम लेंगे और आपको कंप्लीट बता देंगे। तो आपको पहले दिखा देते हैं एसेसरीज। ये क्या होता है, कंपनी रिकमेंडेड हमें एसेसरीज मिलता है जिसमें हमारा निडिल होता है, बट हम लोग को पता नहीं होता। इसको कोई भी ट्रेलर शॉप पर हम देखते हैं यूज नहीं किया होता, बट इसका यूजर मैनुअल जब मैंने चेक किया तो इसके एसेसरीज में एक छोटा सा निडिल दिया होता है, जिसको आप यूज करके, ये देखिए ये एक निडिल है जिससे आप सुई में धागे को एकदम आसानी से असेंबल कर सकते हैं। दोस्तों, इससे आप आसानी से धागे को असेंबल कर सकते हैं सुई के अंदर। अगर आप ज़्यादा इरिटेटिंग हो रहे हैं, आपसे बार बार सुई में धागा असेंबल नहीं हो पाता, तो इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हैं या फिर कोई भी ट्रेलर शॉप पे जहाँ पे इसका शॉप होता है मशीन का, वहाँ पर जाके इसको आप परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको हम आसानी तरीके से बता देते हैं कैसे इसको असेंबल करना है। जैसे ये देखिए, ये धागे को हम क्या करेंगे, यहाँ पर असेंबल करेंगे, ये असेंबल हो नहीं पा रहा, फिर इसको थोड़ा सा कट करके बहुत से बार ट्राई करते हैं ताकि ये असेंबल हो जाए, बट होता है असेंबल, बट बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। उससे आपको टाइम को एकदम स्पेंड करने के लिए ये देखिए इस तरह से ये ट्रिक बता देते हैं, जिससे आप आसानी से इसको कर सकते हैं। इसमें भी टाइम लगता है, बट क्या होता है कि जिसके नज़रें कमज़ोर हो गई हैं उसको ये यूज करने में बहुत बेटर होगा। जैसे देखिए, ये निडिल नहीं है और इसको इसके अंदर यहाँ पर असेंबल कर दिए, ये देखिए फट से अंदर चला जाएगा। ये देखिए, ये चला गया इसके अंदर। अब क्या करना है, इसको थोड़ा सा ज़ोर से प्रेस करना है। देखिए इस तरह से जब इसके अंदर किए तो यहाँ पे इसका नीडल का हुआ ये बंद हो गया, ये हमारा सुई से भी कम इसमें सुराख थी, इसमें तो हमारा ये धागा जाएगा नहीं। तो क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा इस तरह से प्रेस करेंगे। ये देखिए, ये प्रेस कर दिए, ये देखिए कितना ज़्यादा इसके अंदर होल हो गया। शायद आपको कैमरे में क्लियर दिख पा रहा हो, जब भी हम डिटेल में चाहते हैं वीडियो बना दें ताकि आप लोग को समझ में आ जाए क्लियरली। तो देखिए कितना इसका मुंह खुला हुआ है। तो इसमें आप देखिए निडिल में हमारा कितना कम जगह है और इसमें कितना ज़्यादा जगह है। तो क्या करेंगे, इसके अंदर हम धागे को असेंबल करके अपने और इस तरह से खींच लेंगे। कैसे करना आपको हम क्लियरली दिखाते हैं। दोस्तों, क्लियरली आपको बता देते हैं, ये इसके अंदर निडिल डाल दिए, अब यहाँ देखिए कितना ज़्यादा जगह है इसके अंदर धागे को अंदर असेंबल करने के लिए। देखिए ये हो गया, ये देखिए एक सेकेंड के अंदर धागा हमारा सिलाई के अंदर ये असेंबल हो गया। फिर से आपको ट्रिक करके दिखाते हैं। ये इस तरह से आपको निडिल लेना है, आपको बैक साइड से यहाँ से दिखाते हैं, निडिल को इसके अंदर पुश कर देंगे, एक सेकंड के अंदर अंदर चला गया। अब थोड़ा सा इसको अंदर प्रेस कर देंगे, ये प्रेस हो गया। अब देखिए इसके अंदर कितना ज़्यादा जगह बचा हुआ है। अब इसको क्या करेंगे, हम इसके अंदर ये निडिल धागा डाल देंगे। ये देखिए एकदम आसानी से ये हो जाता है। देखिए तो ये ट्रिक आप आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो आपको पता है कि समझ में आ ही गया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।